नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही भोपाल से, अजय विश्नोई को ग्वालियर विधानसभा का सहप्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। कविता चुनाव प्रबंधन के तहत सभी मोर्चों को अजय विश्नोई को ग्वालियर विधानसभा का सहप्रभारी का जिम्मा मिला है। कविता चुनाव प्रबंधन के तहत सभी मोर्चों के समन्वय का कार्य भी देखेंगी। चलिए तो ये तो प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार बनावर विधानसभा की सहप्रभारी बनाई गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी में अब रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई। इससे पहले भी जो है रूठने मनाने का सिलसिला हमने देखा एक बार फिर, तो क्या अजय विश्नोई अब मान गए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए बीजेपी से नाराज चल रहे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए विधायक अजय विश्नोई को अब उपचुनाव के लिए ग्वालियर विधानसभा का सहप्रभारी का जिम्मा मिला है। वहीं प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार बदनावर विधानसभा की सहप्रभारी बनाई गई है और कविता पाटीदार चुनाव प्रबंधन के तहत सभी मोर्चों के समन्वय का कार्य भी देखेंगी। कविता पाटीदार मध्य प्रदेश बीजेपी की महामंत्री है। हाँ, ये बात सही है पूनम की अजय विश्नोई पिछले कुछ दिनों से सत्ता और संगठन से नाराज चल रहे थे और गाहे बगाहे उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रही थी, उनके चाहे वो ट्वीट हो या फिर मीडिया में दिए गए उनके बयान हो। लेकिन चूंकि नादी टीवी से खास चर्चा करते हुए अजय विश्नोई पहले ही कह चुके हैं कि वो पार्टी का जो आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे, इसी के तहत अजय विश्नोई को उपचुनाव के लिए ग्वालियर विधानसभा का सहप्रभारी बनाया गया है, तो निश्चित रूप से संगठन उनकी कोई ना कोई चर्चा हुई होगी। जी आशीष जी, जिस तरीके से इन दो लोगों की नाराजगी दूर की गई है, क्या आप और भी ऐसे लोग हैं जो नाराज चल रहे हों और जिनको मनाने की कवायद बीजेपी कर रही है? देखिए, ऐसे अलग अलग स्तर पर कई नेता हैं जो संगठन से नाराज चल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं की वजह से हो या फिर सत्ता में उचित पद नहीं मिला हो। लेकिन इन सब के बीच में अब चूंकि उपचुनाव की रणनीति बीजेपी बना चुकी है और अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है, तो ज्यादातर स्थानों पर बीजेपी ने समन्वय का काम पूरा कर लिया है। लेकिन ये समन्वय कितना है और कितनी नेताओं की नाराजगी खत्म हुई है, ये उपचुनाव के परिणाम पर ही साफ देखने को मिलेगा। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है मनाने की कवायद यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उपचुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी कितनी कामयाब हुई है रूठों को मनाने में।